लाइए पर्ची। कहां से आए आप? माइक दो। फिरोजाबाद। हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से आए? पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। पहली बार आए। पास में आओ, इधर शकल दिखा दो अपनी। ऐसे कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता, हम तो जानते नहीं है। अरे गुरुदेव आप सब। नहीं 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 जानते, बस चौथी पहला आदमी। वो लोगों ने डॉक्टर उपाधि दे दी, लोगों ने त्रिकालदर्शी बना दिया, कुछ लोगों ने पाखंडी बना दिया। ये तो बहुत भगवान कृपा है कि बहुत उपाधियां मेरे पास हैं, लेकिन तुम डिग्री ला रही हो, पढ़े लिखे हो और तुम नीचे बैठे हो। यदि गलत हो तो टोक के दिखाना, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई पे गाल पे तमाचा है। बोलो क्या पूछना चाहते हो? आपने यहाँ किसी को अपनी समस्या बताई तो नहीं? नहीं। किसी ने, गाड़ी वाले ने या कहीं होटल वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे ये तो नहीं पूछा आप कहां से आए, काहे के ना नहीं आए, क्या समस्या लेके आए? बोलो। नहीं। बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं जिस लड़की से समस्या क्या आपकी? मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसकी। तुम यहाँ बोल नहीं पा रहे, ससुर के सामने क्या बोलोगे? साले आ रहे हैं कि नहीं? मार मार के ठोक के राइट कर देंगे तुम्हें भी। हैं गुरुजी के सामने बोलोगे शादी करना है, हमारे हमारे लायक है या नहीं? करना है। बताओ ऐसे चेला है कि करना ही है, तुम कराओ। हैं ऐसा नहीं होता बेटा, ये बोलना चाहिए गुरुजी हमारे लायक है कि नहीं, हमारे योग्य है कि नहीं, हमारे परिवार के नाने है कि नहीं, हमारी हो जाए घर में नरक में जाए कुआं में गिर जाए। क्या नाम होगा? उस बेटी का बोलो, बताइए बताइए बताइए, क्योंकि आप तो मान ही चुके होंगे जब तुम इतने दमन भी से कह रहे हो। अब हम काहे बाबा बने? क्या नाम उसका? मंच के माध्यम से मैं आप नहीं बोलोगे तो काम नहीं होगा। जाओ शादी कैंसिल। सोनम। तुम तो कह रहे हम बोलेंगे स्वार्थ लाख करे सब सुर नर मुनि सब एक रीति, देवता असुर देव गंध सब एस वाई जेड, बिगर स्वार्थ के कोई बात नहीं करता। लेकिन चलो मैंने लिखा है सोनम की शादी होने जा रही है अजमेर प्रक्षेत्र के लड़का नितिन से, लेकिन ये संबंध टूटेगा, भविष्य में संबंध आपकी ओर जुड़ेगा। आप स्कूल के दौरान अपने अपनी शिष्या को पटाया? नहीं, शिष्या नहीं। आपके सुनिए मेरी बात सुनिए, तुम कह रहे हो शिष्या नहीं है, आप स्कूल में पढ़ाते लिखाते थे? पढ़ाता था, ये टीचर थी। तो बात तो तुम्हारी प्रधान नहीं भाई, मास्टर नहीं हो गई कालिक के थे? हमारे तो शादी कर ही सके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सुनिए आप देखिए पढ़े लिखे हो, बताओ शिष्या कहाँ लिखा? ये तो मास की जीव पकड़ के दिखाओ। नहीं, नहीं लिखा। फिर आप पढ़िए क्या लिखा है? सह पाठी से की, सह पाठी, सह पाठी माने साथ कार्यरत रहने वाली, साथ कार्य करने वाली। क्या कलम चलाई? और सुनो ये भविष्य में पुनरावृत्ति होगी, ऐसा योग है। लेकिन आप घर में जाके बोलें, उस बेटी को भी बुलवाना चाहिए कि किसी का परवान ना बिगाड़े, क्योंकि भविष्य में ये तुम्हारे पास ही आएगी, ऐसा योग बन रहा है। आप वहां जाके प्रस्ताव रखें और उसको भी रखें, क्योंकि शादी होगी तो आपसे ही अंतिम जीवन साथ आपके साथ होगा, ऐसा योग है। गुरुदेव मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैंने उनके पहले जो उनके माँ बाप थे वो एग्री थे, तो अभी मैंने उनसे बात करी तो जो फिक्स हो गई है शादी वो एग्री नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए कि हमारा जो। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अपन किसी मोड़ पर। नहीं गुरुदेव सब आपके, हमसे पूछ के प्यार किया था? हम तुम्हारे बब्बा होते या तुम्हारे पिताजी या कक्का कुछ भी होते, भाई या बड़े भाई कछु भी, मार मार के भूत बना देते, तुम जिंदगी नहीं करते। हाँ अब गुरु हो, गुरु है, आप पूछा ना है तो हमने कह दी ठीक है, जो दिख रहा है दूरबीन में वो देख के बता दी, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मुझे अनुभव हो रहा है मैंने बता दिया। ये निश्चित है कि वो बेटी गलत काम करने जा रही है, वो परिवार टूटेगी, लड़की वापस तुम्हारे पास आएगी, ऐसा योग है। और ये गलत आपने पर्ची को लैमिनेशन करा के गले में लटका लेना, समय तो लगेगा
ऐसा योग बन रहा है कि आप दोनों साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, मैं एक उपाय कर रहा हूं आपके लिए, यदि आप कहें तो बताऊं। मैं ये जो शादी ही मेरे साथ हो जाए सीधी। चलो भैया तो फिर 9,000 रुपए लगे। हाँ, कुछ करता हूं मैं फिर। हाँ, आप जो भी हो, मतलब तुम्हारा पापी हम बन जाए। नहीं ऐसा। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बहुत पढ़े लिखे हो, जाके जाओ पंडू के सगा से करो प्रार्थना और बाकी बिहारी से करो प्रार्थना, कहो प्रभु ध्यान दो। तुम गलत दरबार में बैठे हो, हनुमान जी दरबार में बैठे हो, है ना। ये यहाँ का विभाग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक क्रिया के माध्यम से सद प्रेरणा के लिए परिवार में मीटिंग करने के लिए मैं उच्चाटन एक केंद्रित बिंदु के लिए कर रहा हूं। यदि आपका सच्चा प्यार होगा तो प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है, और उनका सच्चा प्यार हो तो आपको प्राप्त हो। हाँ, ऐसा मत नहीं बोलूंगा कि लोग कहेंगे महाराज जी ने तो 9,000 रुपए चक्कर में शादी करा दी, लोग दिमाग खराब कर दो। दिमाग खराब नहीं कर रहे, सद मीटिंग सद मार्ग के लिए दोनों परिवार का हित हो, उसके लिए प्रेरणा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और तुमसे 9,000 इसलिए ले रहा हूं, 10,000 इसलिए लूंगा कि तुम्हें लगे कि कहूं फंसे थे हम, है ना। चलिए 9,000 रुपए दो। नहीं, फंसे का मतलब नहीं है गुरुदेव, फंसने का जेल में नहीं जाने दूंगा। नहीं, फंसने का तो पर ऐस करो, आनंद लो, भागो जाओ। नहीं, रुपए दे रहा हूँ, आप नौकरी करेंगे। नहीं, रुपए तो दे रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ फंसने का क्या, मैं समझा नहीं उसको। भैया तुम्हारी जय हो गए, हमारे मुकेश गुप्ता जी तुम्हें बता दे हैं। सुनो, तुम्हारे पिताजी का नाम महेशचंद्र है, पिता का नाम आपके महेंद्र बाबा जी हैं। आपको दो नोट आपके जो आप राशि देंगे, उन नोटों में आपके 2HQ00167 SBE 620-524 नंबर का नोट उनमें प्राप्त होगा। सो वे दो नोट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि घर के परिवार के लोग देखेंगे क्या बताया महाराज जी ने, क्या सही बताया कि नहीं बताया। हो सकता है लड़की वाले भी कहें कि कौन से महाराज जी ने बताया, तो कह देना ये पर्चा उन्होंने दिया, इन महाराज ने बताया, और मैं यहां पैसे भी अंकित कर देता हूं। लीजिए लो, ये नोट मिलेंगे, और सो वहां जाकर दिखा दीजिएगा कि ऐसे महाराज ने बताया जो हमारे अंदर तक की खोल के बताई। जो खड़े हो, आउट गो।